अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 22, लेसन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपलीफाई। ए पार्ट 2/5 प्लस इंटू 3/5 माइनस 5/9 डिवाइड 25/9 ब्रैकेट। अब इसमें देखें, हम देखें तो ब्रैकेट भी आ रही है और वन से ज़्यादा जो हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो इनको हम यूज सॉल्व करेंगे बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग। सोल्यूशन है हमारे पास इनका 2 प्लस इंटू 3/5 माइनस 5/9 डिवाइड 25/9। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। अब जब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो ये डिवीजन किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, और सेकंड टर्म जो है वो चेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर चला गया ऊपर, नोमिनेटर में 9 ऊपर चला गया और 25 नीचे आ जाएगा। अब देखें तो ये 9 9 से क्या हो रहा है, कट रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/25 आ गया, बाकी सेम एज इट इज आ गए। उसके बाद हम फिर से अगेन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसमें हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, माइनस को। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम है, अब इसका एलसीएम, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ रहा था, 25। अब हम यहाँ पे देखें तो इसके ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है, 25, और यहाँ पे 25 नहीं है, तो इसको हमने 25 लाना है। हमें पता 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, और यहाँ 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, 25 नीचे आ गया, यहाँ पे 15 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 10/25, और 2/5 एज इट इज आ जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम, 25 आ गया, और यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, 10 10 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, 20/25 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 25 5 4 24/5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट नंबर है बी, 3/7 प्लस 4/7 डिवाइड इंटू 5/14 प्लस 2/14। इसमें भी हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। इसमें हम देखें तो इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है, सेम, तो हम लोगों डिनोमिनेटर को सेम प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख देंगे, तो क्या आ गया, 7/14। ब्रैकेट हमने क्या कर लिया, सॉल्व, बाकी सेम एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास ये क्या है, प्लस है और डिवीजन है। अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, क्योंकि हम यहाँ पे क्या रूल यूज कर रहे हैं, बोर्ड मैथ्स रूल है। अब डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में और सेकंड टर्म चेंज हो जाएगी, 14/7 आ गया। अब हम देखें तो इनकी कटिंग हो रही है, 7 1 7 7 2 14, ये क्या आ गया, 2/7, और ये क्या आ गया, 4/1। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 7 को 1 के साथ करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 7 आ गया, 8 को 3 में ऐड करेंगे तो 11/7 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 × 4/7 आ गया। सी, इसमें क्या है, 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई बाय 26/33 माइनस ब्रैकेट 21/121 डिवाइड 7/11 ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, 21/121 मल्टीप्लाई बाय 11/7, मीन के डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में और 7/11 चेंज हो गया 11/7 में। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 121, 7 1 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और ये हमारे पास आ जाएगा 3/11। अब हम इसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, बाकी सेम क्वेश्चन एज इट इज नीचे आता रहेगा। अब मल्टीप्लीकेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और हमारे पास आ जाएगा 3/11। इसके बाद हम एडिशन को सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, 11 आ गया, डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, 11/11 आ गया माइनस 3/11। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, माइनस, 11 में 3 माइनस कर देंगे तो 8/11 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट नंबर है डी, इसमें भी सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट्स में क्या है, मिक्स फ्रैक्शंस, इनको सबसे पहले हम किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज किया, 7/6 आ गया, 36/5 आ गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 6 1 6 6 6 6 36, ये आ जाएगा 6/5, 7/1 डिवाइड 63/25 माइनस 5/3। अब हम लोग इसके बाद ये हमारे पास जो ब्रैकेट है
वो सॉल्व हो गई है। अब हम 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 आ गया, और 5 को 1 के साथ करेंगे तो 5 आ गया। डिवाइड 63 ओवर 25 माइनस 5/3। अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 ओवर 63। अब हम इसकी क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/1 और मल्टीप्लाई बाय 5/9 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस 5/3, इसकी अगेन कटिंग हो रही है, ये आ जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई बाय 5/3 माइनस 5/3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 5/3 आ गया। 10 को 5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 5/3 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर ए, इसमें भी सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम देखें तो 7 7 से कैंसिल हो रहा है, और ये 9 जो है वो इसके साथ में, 3 3 9 और 3 5 15, तो ये 5/1 आ गया, 1/3 आ जाएगा। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 बाकी से वैसे आ जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को। डिनोमिनेटर सेम है, 17 आ गया, और 7 को 4 में ऐड कर देंगे तो 11/17 आ जाएगा, माइनस 6/17 आ गया, डिवाइड 5/3। अब हम माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, 11 में 6 माइनस करेंगे, 5/17 डिवाइड 5/3। अब डिवीजन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, 3/5 आ गया। अब 3/5 आ गया तो अब हम इनकी क्या करेंगे, आपस में कटिंग 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1, 1/17 3/1 आ गया। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा, 17 को 1 के साथ कर देंगे तो 17 आ गया, 3/17 इसका आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।